एंड आज सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितनी भी मैंने टिप्स और टेक्निक्स आपको बताई है, ये आप अकेले आपको नहीं करना है। सबसे पहली बात, आपको किसी की निगरानी में करना है। किसी की निगरानी में मतलब कोई इंस्ट्रक्टर हो, लाइफ गार्ड हो या कोच हो, कोई भी होगा, तो उनकी निगरानी में ही करना है। और ओपन वाटर में स्विमिंग नहीं करनी है। ओपन वाटर में स्विमिंग क्यों नहीं करनी है कि जैसे आपको पता है ये पूल है, यहाँ पे हम वाटर क्लियर होता है तो दिख जाता है नीचे क्या है। अब ओपन वाटर में जैसे नदी है, तालाब भी मान लीजिए है, समुद्र है, इसमें कुछ पता नहीं चलता नीचे क्या चीज़ है। तो वहाँ पे कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे दलदल टाइप का है, वैसे कुछ पता नहीं चलता। तो उस डेंजर से दूर रहिए और पहले स्विमिंग पूल में मास्टर करिए, स्विमिंग पूल में ही अच्छे तरीके से स्विमिंग करिए। देन उसके बाद अगर बहुत एकदम इमरजेंसी है, आपको अपनी लाइफ बचानी है, उसके तभी आप सोचिए कि आपको वहाँ जंप करना है ओपन वाटर में कि नहीं करना है। तो बाकी स्विमिंग की जितनी भी टेक्निक्स और टिप्स आपको बता रहा हूँ, उसके बारे में आपकी क्या राय है उसको ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भी कुछ इम्प्रूवमेंट करना हो अगर वीडियो में, उसको भी आप ज़रूर बताइए और इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए, ताकि हम भी आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे अच्छे टिप्स दे सकें। जैसे बहुत से स्विमर का ये क्वेश्चन रहता है कि गहरे पानी में कैसे स्टैंडिंग पोजीशन में रहें, कैसे वहाँ पे अपने आप को सर्वाइव कर सकें, ऐसा क्या ट्रिक होता है गहराई का, वो कैसे निकालें? तो देखिए, जो जिस चीज से आपको डर लगता है पहली बात, तो उसी चीज से आपका डर निकलेगा। जैसे पानी से अगर आप गहराई से लग रहा है तो आपको गहरे में जाना ही पड़ेगा अपना डर निकालने के लिए। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि गहरे में जाना पड़ेगा तो सीधे आप गए कूद गए समुद्र में, ऐसा नहीं है। आपको पहले वहां पे जाना होगा, वहां पे अपनी बॉडी को यूज टू करना होगा। जब आपकी बॉडी थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगी उसके बाद आपको वहां पे स्विम करना है। और उसके अलावा भी जैसे पानी में कैसे खड़े रहे, इसका भी कई स्टेप होते हैं, तो उस स्टेप्स को मैं बताने जा रहा हूँ। एक एक स्टेप करके आप समझिएगा। मैं पहले कम पानी में बताऊंगा, फिर गहरे पानी, उस तरफ जो गहरा पानी है वहां पे भी जाके आपको बताऊंगा वहां पे कैसे जाना है। पहले दिन अगर आप पहले दिन जा रहे हैं गहरे पानी में, तो वहां पे कैसे जाएं कि ताकि आपका डर निकल जाए। देखिए, जो वाटर स्टैंडिंग होती है, वाटर ट्रेडिंग होती है, उसको वाटर साइकिलिंग भी कहते हैं। तो उसमें लेग मूवमेंट क्या होता है, लेग मूवमेंट साइकिल के तरीके होता है। मतलब ये कुछ इस तरह होता है, इस तरह चलाना रहता है पैर, और या तो ये लेग की मूवमेंट होती है, ब्रेस्ट स्ट्रोक की मूवमेंट होती है। और थर्ड जो एडवांस होता है वो होता है डॉल्फिन वाला। लेकिन अभी डॉल्फिन वाला आप इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए, क्योंकि इसका कोई यूज अभी आपके उसमें है नहीं, क्योंकि आप तो अभी बिगिनर्स हैं। तो अभी आपको सीखना है क्या, वाटर स्टैंड की किक की मूवमेंट ये होती है। अभी ऊपर से बना दो, किक होती है, और जो दूसरी किक होती है वो होती है साइकिलिंग की। तो साइकिलिंग कुछ इस तरह चलती है। अभी ये अगर आपको अभी क्लियर नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन अभी मैं इसको एग्जैक्ट गहरे पानी में जब करूँगा तो वहाँ आपको किक दिखेगी। वैसे भी यहाँ भी अभी देखिए आप ध्यान से, तो ये कुछ इस तरह चलती है, ठीक। हैंड मूवमेंट दोनों इस तरह चलता है, आगे पीछे इस तरह, और किक इस तरह चलती है। तो ये प्रॉपर वाटर स्टैंडिंग इसी को कहते हैं, या वाटर ट्रेडिंग कह सकते हैं। और ब्रेस्ट की किक के साथ ये कुछ इस तरह होता है। ब्रेस्ट की किक इसलिए इजी होती है क्योंकि इसमें एक बार में आपका बॉडी में ज़्यादा पावर जनरेट होती है, इसलिए मैक्सिमम लोग इसको ब्रेस्ट की किक के साथ ही वाटर ट्रेडिंग करते हैं। तो ये दो तरीके की किक हो गई। और तो जो वाटर ट्रेडिंग होता है उसको सीखने, मतलब गहरे पानी में जाना, गहरे पानी में स्टैंड करना, इसको सीखने से पहले सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आपको पूरा स्ट्रेस फ्री रहना है। मतलब आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, आपको डर रखना नहीं है मन में। ये पानी है, मतलब कोई कॉन्क्रीट नहीं है कि अगर आप इस पे गिर जाते हैं कहीं से तो चोट लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसको सही टेक्निक के साथ करेंगे ना, तो ईजिली भी आप कर पाएंगे और आपकी पावर भी कम लगेगी और आपको मज़ा भी आएगा। तो अभी मैं वाटर ट्रेडिंग का, जैसे मैंने किक का भी आपको बताया, किक का तो हैंड इस तरह होती है। हैंड को आपको आगे पीछे इस तरह मूव करना रहता है, पानी ये है, आगे पीछे पानी में से मूव करना रहता है। और इसी के साथ साइकिलिंग या ब्रेस्ट स्ट्रोक की किक आप ऐड कर सकते हैं। ब्रेस्ट स्ट्रोक की किक मैंने बताया ना, इस तरह होती है, ये इस तरह ब्रेस्ट स्ट्रोक की किक होती है। ये चीज़ है, पानी के ऊपर मैं बता रहा हूँ इस तरह। और साइकिलिंग किस तरह होती है, साइकिलिंग इस तरह होती है। तो इसमें जो भी आपको कंफर्टेबल लगेगा आप उसको कर सकते हैं। और दूसरा है, तो अभी मैंने आपको किक और हैंड मूवमेंट का बताया, वाटर ट्रेडिंग में कैसे करना है। वाटर ट्रेड में हैंड मूवमेंट किस तरह रहना है और किक किस तरह चलनी है, ठीक। ये दोनों मैंने बताया। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये तो मान लो टेक्निक आपको आ गई कि हाँ ये इस तरह चलता है, किक और हैंड इस तरह चलता है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको थोड़े से गहरे पानी में आना है,
मतलब अपनी हाइट का डबल या ट्रिपल वो गहरा पानी हो, और वॉल के पास में रहना, वॉल के। अब आपको क्या करना है, वॉल छोड़नी है और तुरंत हैंड और किक दोनों उसी मूवमेंट में करना है जो अभी मैंने आपको बताया। जैसे आपको थकान लगती है तुरंत आप वॉल पकड़ लें तुरंत, और फिर 3 से 4 बबलिंग करके फिर से वही यही प्रैक्टिस करिए। 3-4 बबलिंग करेंगे उसके बाद फिर से इसकी प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी टाइमिंग वाटर में वो खड़े रहने की, वाटर स्टैंडिंग की टाइम आपकी धीरे धीरे इंक्रीज़ हो जाएगी। और फिर जैसे आप थोड़े से गहरे में आपका वाटर ट्रेडिंग होने लगे, फिर आपको थोड़ा सा और गहरे में आना है और सेम प्रोसेस को फिर रिपीट करना है। फिर आपको वॉल के पास रहना है, ब्रीथ लेनी है 3-4 मतलब बबल करना है 3-4 बार, उसके बाद छोड़ना है इसको और फिर से हैंड और लेग मूवमेंट करना है वाटर स्टैंड, कोशिश करनी कि वाटर आप स्टैंड करना है वाटर पे, फिर उसके बाद फिर अपना वॉल ऐसे पकड़ लेना है। तो इसी तरह धीरे धीरे करके आप गहरे वाले में भी आ सकते हैं। तो गहरे वाले में भी आपको ऐसे ही करना है, धीरे धीरे आपको गहरे में आना है, छोड़ना है, ट्राई करना है स्टैंड होने की, फिर वॉल पकड़ लेना है। इसी तरह आप मान टारगेट सेट करिए कि जिस तरह आपको एक दिन 3 मीटर वाले डीप में करना है, फिर अगले दिन आपको 4 मीटर में आना है, फिर 5 मीटर पे आना है, तो जो सबसे गहरा वाला है उस दिन आपको क्या करना है वो मैं अभी आपको डीप वाटर में जाकर बताता हूँ। तो ये स्विमिंग पूल का सबसे गहरा पार्ट है यहाँ का, जो कि 20 फीट के अराउंड गहरा है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले पानी में उतरना है, और फिर से मैं इसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इंस्ट्रक्टर या कोच की निगरानी में ही उतरना है अगर आप नए हैं स्विमिंग सीखने में। तो उतरना है, थोड़ी देर रुकना है, थोड़ी देर रुक के अपनी बॉडी जो अपनी आपकी सांस चढ़ रही होगी, डर लग रहा होगा, उसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए आपको बबल भी कर सकते हैं, अब जैसे बबलिंग कर लीजिए 4-5 बार इस तरह, और फिर उसके बाद अपनी बॉडी इस तरह करनी है, और फिर कुछ सोचना नहीं है कि यार मैं डूब जाऊंगा ये वो, क्योंकि आपके साथ तो इंस्ट्रक्टर या कोच होंगे ही वहाँ पे देखने के लिए। तो आपको ट्राई करना है, आपको ऐसे करना है, छोड़ना है, तुरंत किक करना है, और जहाँ आपको लगे कि अब थकान लग रही है तुरंत सीढ़ी पकड़ लेना है, फिर बबल करना है, फिर बबल के बाद फिर से इसको ट्राई करना है, फिर से ये करके फिर तुरंत पकड़ना है। फिर जब इसी चीज़ को आप धीरे धीरे करेंगे ना, लगभग आपको मैं बता रहा हूँ कि 3-4 दिन के बाद आप ना किधर भी मतलब बीच में किनारे कहीं पे भी चाहे इतना डीप वाटर हो आप स्टैंड कर लेंगे। अब स्टैंड के अलावा जैसे बहुत लोग मतलब फिर से मैं बता देता हूँ कि किक और हैंड मूवमेंट होता क्या है। हैंड मूवमेंट होता है इस तरह का, ये होता है आपको आगे पीछे इस तरह फ्लो करना है इसको, अपने हैंड को आगे पीछे इस तरह, तो आगे की ओर नहीं करना है ना एकदम पीछे हाथ करके करना है, साइड में करना है ठीक। और बॉडी एकदम सीधे नहीं रहनी है, मतलब बॉडी एकदम इस तरह सीधे नहीं रखनी है, बॉडी हल्की सी आगे की ओर मोड़ लेनी है, क्योंकि जब आप हल्की से आगे की ओर मोड़ेंगे ना तो ये पानी का फोर्स होता है वो आपको ऊपर की ओर फेंकेगा। तो देखिए वाटर स्टैंडिंग कैसे कर रहे हैं, हैंड मूवमेंट देखिए और किक देखिए, फ्री स्टाइल किक कर रहे हैं। देखिए हैंड मूवमेंट आगे पीछे पानी के अंदर और साथ में।